इधर फ्राइज को मसाला लग रहा है, कौन सा वाला मसाला लगा रहे हैं सर? ये आपके लिए हॉट एंड स्पाइसी जो है मैं वो रेडी करके इसके साथ लगा रहा हूँ। फ्लेवर्स जो हैं आपने इसमें से हॉट एंड स्पाइसी चूज़ किया था तो मैं वही लगा रहा हूँ। अच्छा, अपनी मर्जी से कोई भी लगवा सकते हैं फ्लेवर? आप अपनी मर्जी से कोई भी लगवा सकते हैं। मेन्यू में हमारे पास 6 to 7 टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स हैं, उनमें से जो है आप अपनी मर्जी का कोई भी चूज़ करें उसमें लगवा सकते हैं। अच्छा जी, ये फ्राइज बॉक्स में आ गई है, ये हमारी लोडेड फ्राइज तैयार होने वाली है जो इनकी सबसे स्पेशल आइटम है। अच्छा जी बबलू भाई, ये आपने क्या डाला? इसमें मैंने ये सॉस डाली है अपनी कॉकटेल, जो कि हमारी सिग्नेचर सॉस है, यहाँ पे काफ़ी कस्टमर इसको लाइक कर रहे हैं। ये फर्स्ट लेयर है चिकन की, लाइट सा और साथ में सॉस, ताकि कस्टमर जो भी है एंड तक, अब मोस्टली सॉसेज और चिकन रोटी ऐसी होती हैं आप टॉपिंग से खा लेते हैं आपको बहुत मजा आ रहा होता है लास्ट में ना, बट लास्ट में आपको वो इंजॉयमेंट और फीलिंग नहीं रहती, बट हम डबल टॉपिंग के साथ दे रहे होते हैं ताकि कस्टमर एंड तक इंजॉयमेंट, एक एक बाइट जो है वो उसको मजा दे। तो ये हमारा कुछ सिनेरियो डिफरेंट है दूसरों से। ठीक है, अभी ये टॉप एंड फाइनल जो है वो चिकन की हमारी टॉपिंग है, इसी तरह से हम इसको रेडी करके वो कस्टमर को सर्व करते हैं। इसके ऊपर अगेन मैं स्पेशल सॉसेस की एक जो है वो ये लगाऊंगा। ठीक है, ये सारी सॉसेस मेरे खुद की तैयार की हुई हैं। तो खुद तैयार की हुई हैं क्या बात है? सारी सॉसेस मेरी अपनी तैयार की हुई हैं और मैं इनमें अपनी सॉसेस ही ऐड करता हूँ ऑन डिमांड, जो कस्टमर रिक्वायर करे, जो सा उसको फ्लेवर पसंद हो हम वो वाली सॉसेज ऐड कर लेते हैं। ऑलिव्स, इसके बाद ऑलिव्स, ये जो है ऑलिव लगा रहा हूँ हैलोपिनो के साथ। फाइनली हम इसको क्रीमी मायो के साथ टॉप कर देंगे। इस तरह से आपकी फ्राइज जो है वो रेडी हो जाएंगी और फोर्क लगा के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये ले, आप इसको एंजॉय करें और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको किस तरह की लगी। जी ये हमारी लोडी फ्राइज तैयार हो गई है, इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा, ये इनका फुल मेन्यू है, अपनी मर्ज़ी की आप सॉस चूज़ कर सकते हैं, मसाला भी अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। अच्छा हमजा भाई, पिज़्ज़ा फ्राइज आया है आपके पास अवेलेबल? अभी तक पिज़्ज़ा फ्राइज अवेलेबल नहीं है, बट इंशाल्लाह इन विंटर में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारी फ्राइज अभी आपको अभी मिल जाएंगे। बाकी ये लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं और अपनी मर्जी के लिए कोई भी लगवा सकते हैं, आप कोई भी मसाला कोई भी सॉस चूज़ कर सकते हैं, एवरी टाइम आपको अवेलेबल होगा और आप इसमें से ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनकी फ्राइज बड़ी ज़बरदस्त है, आप इनके पास से सिंपल फ्राइज भी लगवा सकते हैं। एवन किस्म के इनके पास ना फ्लेवर्ड हैं मसाले के, तो आप वो भी लगवा सकते हैं। उसके अलावा इनके पास स्पेशल या लोडिंग फ्राइज है, पिज़्ज़ा फ्राइज अभी तक इन्होंने शुरू नहीं की, पिज़्ज़ा फ्राइज ये जल्द शुरू करने बता तो यही रहे हैं कि जल्द शुरू कर देंगे। बाकी इनकी फ्राइज ज़बरदस्त है, सिंपल फ्राइज भी और लोडिंग फ्राइज। अच्छा जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी बतातस पे। भाई ये क्या है जी बतातस, क्या है? अच्छा, बेसिकली ना मेरा अपना नाम बबलू जी है। अच्छा, तो अच्छा। जी मैंने सोचा कुछ डिफरेंट यूनिक नेम रखा जाए। मैं विजिट पे गया था दुबई में, तो वहाँ से एक आइडिया लिए, कार्ड्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कियोस्क के नाम से वहाँ पे थी, तो कार्ड्स जो है ना यहाँ पे लगे, तो हमने कहा कि पाकिस्तान में क्यों ना कोई एक मूवेबल कोई समथिंग लाइक डिफरेंट होना चाहिए ना यहाँ पे भी, कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा कर सकते हैं। फिर एक मैंने ये कार्ड अपनी रेडी करवाई और नाम भी फिर कुछ अरेबिक होना चाहिए था, तो बतातस के नाम से मैंने रखा जी बतातस, बबलू जी का एक जी और बतातस इसके साथ अटैच किया। बतातस क्या है? बतातस बेसिकली आलू दी चिप्स नो आखिर है, ठीक है, इट्स अ फ्राइज को हम बतातस कहते हैं, तो ये एक वो अरबिक नाम है जी बतातस। तो ये हमारे नाम के पीछे जो है साइकोलॉजी है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स दोस्त भाई साहब पूछते हैं कि यार बतातस व्हाट इज़ बतातस, सो ये इसको बतातस कहते हैं, तो ये जी बतातस है। और आप आइए, मोस्ट वेलकम, आपका भाई हाजिर है। बहुत शुक्रिया।